हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करते हैं जियोनी के X1s की, जो जियोनी कंपनी नया मॉडल निकाला है। तो ये स्पेसिफिकेशन क्या है और साथ ही साथ आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा वो हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे होंगे जियोनी X1s, जिसकी लुक वाइज बात करते हैं तो इसके अंदर आपको 5.2 की HD IPS डिस्प्ले मिल रही है, 2.5D ग्लासेस के साथ में गोल्ड लगा थर्ड डिविजन आपको मिलेगा इसके अंदर। अगर फिंगरप्रिंट की बात करते हैं तो फिंगरप्रिंट आपको इसमें बैक में मिलेगा, जैसे ये आप देख सकते हैं बैक में आपका फिंगरप्रिंट है। बाकी ये फ़ोन ऑन हो रहा है, जब तक हम देखते हैं इसके साथ में आपको और क्या क्या एक्सेसरीज मिल रही हैं। ये आपका वारंटी कार्ड है और इसमें आपके ये नॉलेज कार्ड है, जिसमें आपको बताया गया कि आपको फ़ोन कैसे क्या यूज़ करना है, कुछ फंक्शन जो है वो आपको ये नॉलेज कार्ड से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखते हैं तो इसके अंदर आपको एसी वगैरह भी मिल जाएगी। तो इसमें आपको एयरफोन मिलते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, साथ ही साथ आपको इसमें केबल मिल जाएगी, USB केबल जो आपका नॉर्मल है, टाइप सी नहीं है। और साथ ही साथ इसमें आपको 2 एम्पीयर का चार्जर मिल जाएगा। और देखते हैं तो इसमें आपको स्क्रीन प्रोटेक्टिव तौर पर स्क्रीन गार्ड आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपका फ़ोन अच्छा करने के लिए इसका सिलिकॉन कवर मिल जाएगा साथ ही साथ। तो ये तो रही आपके फ़ोन के अंदर एक्सेसरीज जो आपको मिलेंगी जियोनी X1s के अंदर। पर हम बात करें इसकी एक्सपेक्टेशन की कि आपके इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, तो आपको बताना चाहूँगा अगर डिस्प्ले से बात करें तो आपको 5.2 इंच की HD डिस्प्ले मिलेगी, 2.5D ग्लासेस के साथ गोल्ड लगला थर्ड जनरेशन। बैक में आपका फिंगरप्रिंट है। कैमरे की बात करते हैं तो आपको फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा सेल्फी एक्सपर्ट के साथ में, यानी कि आपको फ्रंट में आपको फ्लैश मिल जाएगा। बैक में आपको 13 मेगापिक्सल मिलेगा विद LED फ्लैश के साथ में। और रैम की बात करते हैं आपको उसके 3 GB की रैम मिलेगी, 16 GB इंटरनली है। एक्सपेंड करना चाहो 256 GB तक मेमोरी कार्ड उठेगी, दोनों चीज़ आप इसके अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर प्रोसेसर की बात करते हैं 1.5 GHz का क्वाड कोर आपको प्रोसेसर आपके अंदर इसके अंदर मिलेगा। और अगर बैटरी में अच्छी बात करते हैं तो 4000 mAh आपकी इसके अंदर बैटरी मिलेगी। और अगर इसके खुद का प्रोसेसर आती है अमीगो की तो वो आपका 4.0 पे, साथ ही साथ जो एंड्रॉयड है 7.0 नगाड़ पे है ऑलरेडी, तो आपको ओवरऑल अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन अच्छा है और जिसका जो इसका प्राइस है वो जो कंपनी ने डिसाइड करा है वो है 12,990 का। तो इस प्राइस में आपको फीचर जो आपको ये मिल रहे हैं तो अच्छे फीचर हैं, फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप उसका टच कैसे चल रहा है। तो ये आपके नियर बाय स्टोर पर भी आ जाएगा, परचेज करना तो वहाँ से भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।